ओ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और बताओ कहाँ से आ रहे हो? अंकल जिम से। पर तुम्हार तो बोर्ड एग्जाम चल रही है ना? हाँ तो अरे बड़े ही बदतमीज हो यार तुम तो। हमारी बिटिया तुमसे छोटी हुई रही, तनिक फिर भी 18 18 घंटे पढ़ाई करत रही। तनिक समझ जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। अंकल मुझे तो मास कॉम करना है, तो 18 घंटे पढ़ के क्या करूंगा। यार तुम गधे हो बिल्कुल, कैमरा के आगे ही घूमते रह जाओगे पूरे जीवन में। अरे बेटा छिंचैन आ गए तुम भी। ओ भैया, क्या ये वही कंजूस अंकल हैं जो घर पर आते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। हाँ छिंचैन वही है वही है। अरे शिनचान बेटा तुम्हारे भी बोर्ड जा रहे हैं, तनिक पढ़ाई वढ़ाई करो। अंकल आप मुझसे ज्यादा मत बोला करो, नहीं तो मैं आपको एक्शन बीम मार दूंगा। एक्शन बीम। अरे यार सारे ही बच्चे हरामी हैं यहाँ पर तो। अरे जिक तुम भी पढ़े रहते हो यार दिन भर, जाओ पढ़ाई करो तनिक हमारी बेटी। ए अंकल, मैं हूँ हाई ना, हम नहीं करते पढ़ाई, और अगर यहाँ रहे तो होगी आपकी पिटाई। अरे यार रहना ही नहीं है यहाँ पर। बक्सा ले पक। तनाव का है मौसम, लोग नहीं हो पा रहे हैं औसम, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है। राइम वाइम में करता नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जहरीले और सबसे मज़ेदार एग्जाम्स की, यानी ये बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा भयंकर है उनकी प्रिपरेशन करना, क्योंकि यार अगर तुम एक मिडिल क्लास बालक हो जो पढ़ाई में भी एवरेज है, तो तुम्हारे चारों ओर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा खून चूसने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब ये हर बच्चे की लाइफ का वो टाइम होता है जहाँ पर हर कोई उन्हें बाहरी दुनिया से दूर करने की कोशिश में लगा रहता है। मतलब इस टाइम ना तो तुम लोग बाहर दोस्तों के साथ भसड़ मचा सकते हो, ना ही घर से बाहर निकल सकते हो, और फ़ोन तो यार तुम लोग भूल ही जाओ। सबके घर वाले अपने बच्चों को कीपैड फ़ोन देकर ऐसा समझते हैं कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम से दूर हो गए हैं। और तो और कुछ घायल प्राणी तो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डालते हैं, बाय बाय इंस्टाग्राम, सी यू सून। और यही वो बच्चे होते हैं जो 2 दिन बाद दिन भर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन दिखते हैं। इन दिनों में एक चीज़ होती है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वो है कल से पढ़ूंगा। यार कल से तो पक्का पढ़ूंगा। और ये चीज़ तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक पेपर अगले दिन ना हो, क्योंकि तब तो घंटों में बात आ जाती है, क्योंकि हमने तो इतने दिनों में घंटा कुछ नहीं पढ़ा। अब यहीं पर बात आती है तुम्हारे पालनहारों की, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स की। तो इस टाइम अगर तुम सच में बैठकर पढ़ाई करते हो तो तुम्हें इनकी तरफ से बहुत प्यार रिसीव होगा, और अगर तुम पढ़ाई में थोड़े से भी लापरवाह हो जैसे मैं था, तो ये भूखे भेड़ियों की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। चलो अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के इन्विजिलेटर्स की। तो सबसे पहले आते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर्स, जिनके हिसाब से साइड में देखना भी पाप है। इनको देखकर हर बच्चा यही सोचता है कि बीबी से लड़ के आया साला सुबह सुबह। इन लोगों का बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का लेवल है ना अलग ही होता है, और इनके अकॉर्डिंग हर बच्चा चीटर होता है। फिर आती हैं बहुत ही हॉट मैडम। ये मैडम होती तो बहुत हॉट है, पर ये सारी की सारी अपने आप को कभी खुशी कभी गम की पू समझती हैं। ये एटीट्यूड तो ऐसे दिखाती है जैसे ये कहीं की महारानी है और सारे के सारे बच्चे इनके सेवक। पर फिर आखिर में आते हैं सबसे रेयर प्रजाति के टीचर्स, यानी कि हेल्पफुल टीचर्स। तो इनका मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि मुझे गर्लफ्रेंड मिलना, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। पर ये लोग होते बहुत ही अच्छे हैं, और जिनको ये मिल जाते हैं भाई साहब, वो तो पूरे के पूरे पेपर टॉप कर जाते हैं, सही बता रहा हूँ।
अब हम आते हैं शिष्यों पे, यानी कि तुम लोगों पे। स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं बकचोद बच्चे। इन्हें एग्ज़ाम्स लिखने से कोई मतलब नहीं होता, ये तो आते ही टीचर के मज़े लेने। फिर आते हैं चुगलखोर बच्चे। ये लोग सिर्फ टीचर के चाटने आते हैं तलुए। और ये लोग ना होते कुछ ऐसे हैं। राजू बेटा क्या हुआ? सर ये सांडा बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। सांडा तू चल तेरी तो। और राजू बेटा तुम लिखो। एंड यू पीपल कीप स्लिप्स ऑन योर फिंगर्स। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो इतने दिनों से झक मरा रहे होते हैं और फिर बाकी लोगों से पूछते हैं, भाई भाई बताना यार, दो मिनट रुक जा यार, कंप्लीट तो करने दे। अच्छा कौन सा बताऊं? भाई भाई सारे बता दे यार। भाग साले भाग। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा गंदी प्रजाति के बच्चे, यानी कि ऐसे लोग। भाई तूने सब पढ़ लिया क्या? नहीं भाई मैंने तो बुक को हाथ भी नहीं लगाया। पक्का ना? हाँ पक्का भाई। और फिर यही बच्चे एग्ज़ाम स्टॉप करते नज़र आते हैं। तो यार आप सब ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना और बिंदास होकर अपने एग्ज़ाम्स देना। और तुम्हारी तरह मुझे भी अपने स्कूल स्लैश कॉलेज के बंद होने की बहुत ज़्यादा खुशी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ये सोचने लगो कि तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। कॉज याद रहे हमारा सामना इस वायरस से नहीं बल्कि इस वायरस से है। और जैसे हमने अभी थाली बजाई है ऐसे ही हमें इस वायरस की भी बजानी है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थोड़े दिन लूट ही लो यार घर के मज़े, क्या पता फिर कल हो ना हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। डू हिट अ लाइक एंड शेयर कर दो यार अगर अपने बोर्ड याद आए हो तो। दिस वीक विल बी बैक अगेन विद सम अमेजिंगली अमेजिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन पीस गाइस।